हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बेट विजन। दिस इज साहिल मलिक, योर होस्ट एंड योर वेट। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको एक रामबाण एक मेडिसिन बताऊंगा जो कि डॉग्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल प्रूफ हुई है। भले ही वो कोई भी डॉग हो, अगर आपके घर में एक डॉग है उसके लिए भी बहुत ज्यादा रिजल्टेड ये प्रूफ हुई है। अगर एक स्ट्रीट डॉग है उसके लिए भी बहुत ज्यादा ये बेनिफिशियल प्रूफ हुई है। तो गाइस, वो ऐसी मेडिसिन कौन सी है, क्या उसके काम होते हैं, बेसिकली उसकी इंडिकेशंस क्या है और साथ में उसके अंदर क्या कंपोजिशन होती है और हमें वो कितनी देनी है, मींस उसकी डोजेस कितनी है। देखो गाइस, आज जो मैं आपको जो मेडिसिन बताऊंगा उसका नाम है नियोमैक टैबलेट। नियोमैक टैबलेट, इसके बारे में गाइज आपने पहले भी सुना हो सकता है, मुझे पता है आपने सुना होगा। ये जो मेडिसिन है ना गाइज, दोनों के ऊपर वर्क करती है। अब दोनों क्या, दो इसके फंक्शंस होते हैं बेसिकली, जो एक्टोपैरासाइट्स के ऊपर भी काम करेगी और एंडोपैरासाइट्स के ऊपर भी काम करेगी। एक्टोपैरासाइट्स क्या होते हैं, जो आउटसाइड पाए जाते हैं बॉडी के बाहर, ठीक है। सिंपली वे में समझा रहा हूं, कोई भी इसमें मैं साइंटिफिक वर्ड कोई भी यूज नहीं करूंगा, ठीक है। जो बाहर जो माइट्स वगैरह पाए जाते हैं, जो टिक्स वगैरह पाए जाते हैं, जो लीसिस वगैरह होती है, या जो डेमोडेक्टिक या सार्कोप्टिक मेंज होती है, दूसरी टाइप की मेंजेस भी होती है, जैसे हमारे दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, सोरोप्टिक है, ओडोडेक्टिक है एंड नोटोडेक्टिक मेंज। तो गाइस, ये तो बात कर ली हमने एक्टोपैरासाइट की। अगर मान लो एक्टोपैरासिटिक है आपके डॉग की कंडीशन, एक्टोपैरासिटिक हो गई है, जिससे क्या हुआ, आपके डॉग की स्किन के ऊपर स्किन इंफेक्शन जनरेट हो गया, बॉडी पूरी रेड पड़ती जा रही है, मेंजेस डेवलप हो गई है, तो उसके अंदर इस मेडिसिन का एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। देखो गाइज, ज़्यादातर क्या होता है ना, हम अगर हमारे पास एक डोमेस्टिक एक डॉग है ना, तो उसकी हम केयर कर लेते हैं। अगर उसकी स्किन पे कुछ हो जाता है तो हम उसको तुरंत अपने वेटनरी डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं। लेकिन गाइज क्या होता है, जो बेचारे जो ये स्ट्रीट डॉग होते हैं ना, इनके बारे में कोई भी नहीं सोचता। इनकी स्किन की कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है, देखने में भी हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि यार इस बेचारे से छोटे से डॉग को ये क्या हुआ। अब मान लो 2 महीने का पपी है, 2 महीने के पपी की पूरी बॉडी के ऊपर मेंज हो गई है, तो यार कितना ज़्यादा बुरा लगेगा, ठीक है। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप ये टैबलेट उस डॉग को दे सकते हो ताकि उसकी भी जान बच सके और वो अच्छे से अपना जीवन व्यापन कर सके। तो गाइस, अब मैं बात करता हूं इसके दूसरे एक वे की। दूसरा वे मतलब इसका काम करने का तरीका एक अलग भी है। अब जैसे इसने एक्टोपैरासाइट के ऊपर काम किया, अब ये एंडोपैरासाइट के ऊपर भी काम करेगी। एंडोपैरासाइट क्या होते हैं बेसिकली गाइस, जो पैरासिटिक जो इंटरनल बॉडी के अंदर पाए जाते हैं पैरासाइट, लाइक जो बेसिकली जो वर्म्स वगैरह होते हैं, जो लंग वर्म है, जीआई ट्रैक्ट वर्म्स है, मतलब जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के अंदर वर्म्स जो पाए जाते हैं, विप वर्म है, उसके ऊपर भी ये मेडिसिन काम करेगी। आई वोम है या हर्ट वोम है, तो बेसिकली ये जो हम, आपने सुना होगा ना कि हम डिवॉर्मिंग करते हैं हमारे डॉग की, तो ये एक डिवॉर्मिंग मेडिसिन ही है, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और डिवॉर्मिंग के साथ साथ ये, जैसे मैंने मेंजेस वगैरह बताया, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा रिजल्ट इसका प्रूफ हुआ है। देखो गाइस, अगर आप सार्कोप्टिक और डेमोडेक्टिक मेंज के बारे में कंप्लीटली जानना चाहते हो तो हमने पहले से ही वीडियो बनाई हुई है, आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस, अब माइंड के अंदर क्वेश्चन आता है कि मैंने बता तो दिया आपको कि ये मेडिसिन इसका क्या काम होता है, एक्टो एंडो दोनों के ऊपर काम करेगी। इसकी कंपोजिशन की बात कर लेते हैं, इसके अंदर आइवरमेक्टिन 10 mg पाया जाता है, जिसका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। आपने सुना भी होगा आइवरमेक्टिन के इंजेक्शन वगैरह भी लगते हैं, बेसिकली जो टिक्स के ऊपर काम करते हैं। लार्ज एनिमल के अंदर हाईटेक नाम का एक इंजेक्शन आता है, तो वो जो हमारा है वो लार्ज एनिमल के अंदर भी यूज किया जाता है। वैसे स्मॉल में भी यूज किया जाता है, लेकिन स्मॉल में ज्यादातर उसको अवॉइड ही करते हैं। उसकी जो डोज रेट रहती है 50 kg पे 1 ml रहती है। लेकिन गाइस, अगर हम बात करते हैं इस नियोमैक टैबलेट की, इसकी जो डोज रेट रहती है वो 10 kg पे 1 tablet हमें देनी है। देखो गाइस, कंडीशन के अकॉर्डिंग इसकी जो डोज रेट है वो वेरी कर सकती है। अगर आपके नियर बाय में कोई वेटरनरी डॉक्टर अवेलेबल है तो आप उनसे जरूर कंसीडर कीजिए, आप उनके पास चले जाइए, वो आपको एग्जैक्ट डोज रेट बता देंगे अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। लेकिन अप्रोक्स देखा गया है कि जो डिवॉर्मिंग की एक डोज रेट जो होती है, उसी डोज रेट के अकॉर्डिंग हमें इस मेडिसिन को देना है। तो 1 tablet हम पर 10 kg बॉडी वेट के हिसाब से दे सकते हैं। अगर गाइस डेमोडेक्टिक या सार्कोप्टिक मेंज है, मतलब मेंज है डॉग को, तो गाइस आप हफ्ते में इस टैबलेट को 2 बार भी दे सकते हो। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ इंटरनल आप डिवॉर्मिंग के लिए देना चाहते हो, तो गाइस आप 1 tablet दे सकते हो। अगर पपी है तो पपी को तो आपको टैबलेट देनी नहीं है, लेकिन अगर एक डॉग है, मान लो अडल्ट डॉग है, तो गाइस आप 2.5 महीने के अंदर अंदर इसको रिपीट कर सकते हो अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो गाइस, आज की जो वीडियो है बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एक टॉपिक के ऊपर थी। मैं आशा करूंगा आपने इस वीडियो को एंड तक देखा होगा और समझा होगा, और आपके दिल में एक बात जरूर आई होगी कि यार मैं इन स्ट्रीट डॉग्स के लिए भी जरूर कुछ ना कुछ हेल्प करूंगा। तो गाइस, इस टैबलेट से आप स्ट्रीट डॉग की हेल्प कर सकते हो। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।